मॉर्निंग स्टूडेंट, इट इज वीडियो नंबर 28 ऑफ चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन क्लास 10 एंड टुडे वी डिस्कस पावर ऑफ लेंस एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस व्हेन नंबर ऑफ लेंसेज आर कंबाइंड टू ईच अदर। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पावर ऑफ लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली थ्योरेटिकली भी पेपर में आता है और इसका न्यूमेरिकल भी आता है। पावर ऑफ लेंस, पावर क्या होती है? देखो लेंस कितने टाइप के थे, दो टाइप के लेंस थे, एक था कॉन्वेक्स लेंस एक था कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते थे क्योंकि वो रेज को एक जगह पर कन्वर्ज करता था, मिलाता था, एक जगह पर मीट करवाता था। जब रेज कॉन्वेक्स लेंस में से पास होती थी तो वो रिफ्रेक्शन के बाद एक सिंगल पॉइंट पर मीट करती थी, इसलिए उसको हम बोलते थे कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा जो लेंस था वो था कॉनकेव लेंस, जिसको हम बोलते थे डाइवर्जिंग लेंस, फैला देना, रेज को फैला देना, छितरा देना। तो जब कॉन्वेक्स लेंस में से रे पास होती थी तो वो फैल जाती थी, इसलिए उसको बोलते थे हम डाइवर्जिंग लेंस। तो जो लेंस जितना अच्छा कन्वर्ज करेगा रेज को या जितना अच्छा डाइवर्ज करेगा रेज को, वो उतना ही अच्छा लेंस होगा। यानी कि ये एबिलिटी होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, एबिलिटी ऑफ लेंस, कौन से लेंस की, कोई भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, उसकी एबिलिटी कि वो रेज को कितना अच्छा, कितना ज्यादा कन्वर्ज करता है या कितना ज्यादा डाइवर्ज करता है, वो होती है पावर ऑफ ए लेंस। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज अगर कॉन्वेक्स लेंस है और डाइवर्ज अगर कॉनकेव लेंस है, द रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। रही बात इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला होता है कि ये फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। फोकल लेंथ का रिवर्स 1/f लोगे तो वो पावर आ जाएगा, 1/f लोगे तो क्या आ जाएगा, पावर। अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, इसमें एक इक्वल है और इक्वल से दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब ये जो पावर है, ये जो P फॉर पावर, F फॉर फोकल लेंथ, ये जो पावर लिखी हुई है ये किस में है, न्यूमिरेटर में, और जो फोकल लेंथ लिखी है वो किस में है, डिनोमिनेटर में, और बीच में क्या है, इक्वल का साइन। मैंने आपको बताया भी था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है ना, तो यहाँ पर P और F आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप समझते होंगे, मतलब फोकल लेंथ अगर कम होगी तो पावर ज्यादा होगी और फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगी तो पावर कम होगी, रिवर्स है एक दूसरे के, इसको बोलते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे पता चला, क्योंकि एक क्वांटिटी न्यूमिरेटर में है एक क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है, क्लियर। तो यानी कि पावर में और फोकल लेंथ में रिवर्स रिलेशन है, यानी लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी पावर उतनी ही कम होगी। यानी जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा एबिलिटी होगी लेंस के पास रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने के लिए। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, ये पावर का फॉर्मूला 1/f आपको तब अप्लाई करना है when focal length is in meter, अगर ये किस में given हो, meter में, याद रखना अगर focal length आपको meter में given है तो आप formula लगाना power का 1/f, but यही power का formula आप लगाओगे 100/f, क्या लगाओगे 100/f, कब, when
When focal length is in centimeter. आपको focal length given होगी exam के अंदर, आपसे power पूछी जाएगी, तो आप ये देख लेना unit क्या given है। अगर focal length meter में given है, अगर focal length meter में given है तो आप formula लगाओगे 1/f और power आ जाएगी। अगर आपको focal length given है centimeter में तो याद रखना focal length का फिर formula रहेगा 100/f। ये कोई ज्यादा लॉजिकली आंसर नहीं है, कभी आप समझो कि इसमें क्या लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप बाद में कर लो, आप फॉर्मूला याद कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अगर फोकल लेंथ आपको मीटर में गिवन है तो पावर का फॉर्मूला होगा 1/f, और अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो आपको पावर का फॉर्मूला रहेगा 100/f। और पावर में और फोकल लेंथ में रिवर्स रिलेशन होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, पावर एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, और जिस क्वांटिटी को हमें मेजर कर सकते हैं उसकी हमें यूनिट भी बनानी पड़ेगी। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। और सिंबल होता है डी। आप कैपिटल डी, स्मॉल डी नहीं लिखना है, ये बात याद रखनी है, कैपिटल डी ही लिखना है। आप कैपिटल डी लिखो या पूरा डायोप्टर लिखो, बात एक ही है। क्लियर बात समझ आ रही आपको? क्या यूनिट होती है? डायोप्टर। डायोप्टर से घबराने की जरूरत नहीं है। आप किलोग्राम से नाम सुन के डरते हो, सेंटीमीटर सुन के डरते हो, नहीं, क्यों? क्योंकि इनको आपने पहले सुन रखा है, आप इन आपकी आपको ये डेली लाइफ में यूज होते हैं और आपने ऑब्जर्व किया होगा, सुना होगा, इसलिए आपको अच्छे लगते हैं, किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये भी एक नया नाम है, बस और कुछ नहीं, यूनिट है ये। किसकी? पावर की। भाई हमें पावर निकालनी है, भाई इस लेंस की पावर 2, क्या 2? क्या 2 डायोप्टर है। इस लेंस की पावर 3 डायोप्टर है। इस लेंस की पावर 1.5 डायोप्टर है। इस लेंस की पावर 4 डायोप्टर है। पावर, क्लियर। तो पावर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है और उसकी यूनिट 1 डायोप्टर होती है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन 1 डायोप्टर पावर। डिफाइन 1 डायोप्टर, सिंपल, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस, क्लियर। तो आप इसे लिख लेना, नोट कर लेना, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से बोलता हूँ, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके सुन लेना। पेपर में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन 1 डायोप्टर पावर ऑफ ए लेंस, तो आप आंसर लिखोगे, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ दैट लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर। क्या लिखोगे? दोबारा रिपीट करता हूं, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ दैट लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर। जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होती है उसकी पावर 1 डायोप्टर होती है, क्लियर। अच्छा जी, अब मैंने आपको एक बात बताई कि फोकल लेंथ अगर आपको मीटर में गिवन हो तो पावर निकालने के लिए आप 1/f लगा देना, और अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन हो तो आप 100/f लगा देना। क्लियर बात समझ आ रही है? जैसे अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन मैं पूछूं, यहां पर मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं, जैसे क्वेश्चन आ गया, फोकल लेंथ आपको गिवन है 2 मीटर, पावर बताओ क्या होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, आपने देखा फोकल लेंथ मीटर में गिवन है, तो 1/f फॉर्मूला लगाया, सो 1/2 किया, सो 0.5 आ गया क्या? डायोप्टर। 0.5 डायोप्टर, बात समझ नहीं? क्लियर। अगर यही सेंटीमीटर में गिवन होता, मान लो जैसे जैसे वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता, वो पूछता कि जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो पावर बताइए क्या होगा? तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f, सो 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में है, सो सॉल्व करते तो याद आता 5 डायोप्टर। बात समझ आ रही है क्या? 5 डायोप्टर और 0.5 डायोप्टर, मैं एक मीटर में भी बताया, मैंने आपको सेंटीमीटर में भी बताया। अब ऐसा थोड़ी होगा कि हर बार आपको फोकल लेंथ गिवन होगी और आपको पावर निकालनी होगी, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आपको पावर भी गिवन हो सकती है, आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ सकती है, तब आप क्या करोगे? तो नो प्रॉब्लम, सेम आंसर, पावर का फॉर्मूला अगर 1/f है तो फोकल लेंथ का पावर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, सोल्व करके देख लो, 1/p होगा। तो पेपर में आपको फोकल लेंथ भी गिवन, सॉरी, पावर भी गिवन हो सकती है और आपसे फोकल लेंथ निकलवाई जा सकती है। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होगा इसमें, पावर तो हमेशा आपको डायोप्टर में ही गिवन होगी, पावर तो हमेशा आपको डायोप्टर में ही गिवन होगी, क्लियर। अच्छा जी, अब एक बात करते हैं हम, क्या पावर में कोई साइन होगा, प्लस या माइनस, कब प्लस कब माइनस? यस होगा, तो क्या होगा वो? अब इसके लिए
अब पावर के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, फोकल लेंथ, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। वन तो एक न्यूमेरिकल नंबर है, सिर्फ एक फोकल लेंथ ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। जैसे हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पे क्या था, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, वहां तीन क्वांटिटी थी, फोकल लेंथ थी, v थी, u था। यहां पर तो सिर्फ पावर के फॉर्मूले में एक फोकल लेंथ है, यानी जैसी फोकल लेंथ वैसी पावर। अगर फोकल लेंथ प्लस हुई तो पावर भी प्लस हो जाएगी, अगर फोकल लेंथ माइनस हुई तो पावर भी माइनस हो जाएगी। सिंपल, सीधा सीधा फोकल लेंथ पे डिपेंड होगा। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। और ये बात आप सीख के आ चुके हो। तो कैसे, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, ठीक है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। क्या होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। और अगर हमारे पास कॉनकेव वर्ड होता है तो फोकल लेंथ ली जाती है नेगेटिव। क्या ली जाती है, नेगेटिव। और ये लेंस में नहीं, मिरर में भी आप याद रखना। क्या, अगर कॉन्वेक्स हो, चाहे फिर वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ आंख बंद करके पॉजिटिव ले लेना। बात समझ में आई, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव ले लेना। बात समझ में आई, अगर कॉनकेव वर्ड है फिर चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी और पावर भी नेगेटिव ही आएगी। बात समझ आई, मैंने क्या बताया, देखो पावर के फॉर्मूले में कुल मिलाकर एक क्वांटिटी है फोकल लेंथ, तो सीधा सीधा फोकल लेंथ डिसाइड करेगी साइन किसका, पावर का। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। और याद रखना, कॉन्वेक्स वर्ड आते ही फोकल लेंथ आंख बंद करके पॉजिटिव ले लेना न्यूमेरिकल्स में, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे तो पावर भी पॉजिटिव ही आएगी। अगर कॉनकेव वर्ड आए तो फोकल लेंथ आंख बंद करके नेगेटिव ले लेना और पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव। और ये जो रूल मैंने आपको बताया कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स वर्ड होते ही फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव वर्ड होते ही फोकल लेंथ नेगेटिव, ये मिरर में भी अप्लाई होगा। आई होप इतने डिस्कशन के बाद आपको पावर का फॉर्मूला क्लियर होगा, और इसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं पेपर में आने के और न्यूमेरिकल आने के। वन डायोप्टर तो बहुत ज्यादा फेमस है, डिफाइन वन डायोप्टर, हमेशा वन मार्क्स में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये जो मैंने आपको बताया ये एक लेंस की पावर निकालने का तरीका था। अब ऐसा थोड़ी होता है कि लेंस एक ही यूज होता है हमेशा, कई बार कॉम्बिनेशन लेंसेज यूज होते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ टच में रखे होते हैं लेंस बहुत सारे, और अलग अलग टाइप के रखे हो सकते हैं या सेम टाइप के भी रखे हो सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ लेंस है, n मतलब हमें पता नहीं है कितने हैं, 10 हैं, 5 हैं, 15 हैं, 6 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं, n नंबर ऑफ लेंसेज हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रखे हुए, टच में रखे हुए, ये बात याद रखना। और उनकी पावर गिवन है, पहले की पावर P1 है, दूसरे की पावर P2 है, तीसरे की पावर P3 है, चौथे की पावर P4 है, एंड लास्ट में करते करते n जो nth जो लेंस है उसकी पावर Pn है। तो उनकी जो टोटल पावर होगी, हमने उसकी टोटल पावर को नाम दे दिया P, तो उनकी जो टोटल पावर निकल के आएगी वो आएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड अप टू लास्ट में Pn। और उनकी अगर फोकल लेंथ पूछ ली जाए टोटल फोकल लेंथ क्या होगी, तो टोटल फोकल लेंथ हो जाएगी 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 up to so on 1 by fn। क्लियर, बात नहीं, सिंपल। मान लो अभी फिलहाल के लिए मान लो आपके पास 3 लेंसेज हैं, तो 3 लेंसेज हैं तो ये पावर का फॉर्मूला, उसका टोटल पावर आ जाएगी p1 plus p2 plus p3, और उनकी टोटल फोकल लेंथ आ जाएगी 1 by f1 plus f2 plus f3। मान लो अगर दो लेंस होते तो पावर आ जाती P1 प्लस P2 और फोकल लेंथ आ जाती 1 by F1 प्लस 1 by F2। बात समझ में क्लियर हुआ, पावर जब कॉन्टेक्ट में रखे हो तो निकाल लोगे, इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मैं आपको बता दूं। वैसे एनसीईआरटी में मेंशन है, 10th क्लास के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंशन है तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में भी हमें पावर और फोकल लेंथ निकालनी आ गई। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये प्लस कभी चेंज हो सकता है, प्लस की जगह माइनस आ सकता है, बड़ा सिंपल सा है, यस नो प्रॉब्लम। आपको साइन लेना है, देखो मान लो पहला लेंस जो आपके साथ है, पहला आप एक डिवाइस है उसमें 3 लेंस यूज कर रहे हो, जो पहला लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा जो लेंस है वो है कॉनकेव लेंस, दूसरा जो लेंस है वो क्या है, कॉनकेव लेंस, और तीसरा जो लेंस है वो फिर से क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। तो मैं इसको यहां आपको थोड़ा सा लिख के बताने की कोशिश करता हूं। देखो मान लो 3 लेंस आपस में टच में रखे हुए हैं, ये पहला लेंस,
छोटा बना रहा हूं देख लेना, कॉन्वेक्स लेंस। फिर आएगा दूसरा लेंस, दूसरा लेंस कौन सा था, कॉनकेव लेंस। और फिर से तीसरा लेंस कौन सा आ गया, ये ऐसे, समझ में आ रही बात, ये आपस में एक दूसरे के साथ टच में ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो इसकी पावर जो होगी वो होगी पी वन पॉजिटिव, दूसरे की जो पावर होगी वो होगी माइनस पी टू, और तीसरे की जो पावर होगी वो होगी प्लस पी थ्री, क्योंकि मैंने बताया था कॉन्वेक्स वर्ड हो तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव पावर भी पॉजिटिव, और कॉनकेव वर्ड हो तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव और पावर भी नेगेटिव। तो इसकी जो नेट पावर निकल के आएगी वो आएगी पी वन माइनस पी टू प्लस पी थ्री, सिंपल। जैसे आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो वो यूज कर लेना। इनकी जो फोकल लेंथ टोटल निकल के आएगी वो क्या आएगी, वन बाय एफ वन माइनस वन बाय एफ टू प्लस वन बाय एफ थ्री, सिंपल। समझ में आया, तो याद रखना साइन आपको ध्यान में रखना है, क्लियर, समझ में बात। तो अब ऐसा नहीं है, देखो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, आपने कॉपी में नोट भी किया होगा, ये तीनों के तीनों कॉनकेव भी हो सकती हैं, आपस में रखे हुए तीनों के तीनों कॉनकेव भी हो सकती हैं। देखो कैसे मैं बनाने की कोशिश करता हूं यहां पर, ठीक है, ये एक आइडिया दिया मैंने आपको, ठीक है। ये दो लेंसेज रखे हुए हैं आपस में, ये भी कॉनकेव है और ये भी कॉनकेव है, बात समझ आ रही है, दो आपस में टच में रखे हुए, कॉन्टेक्ट में होना जरूरी है। तो इसकी जो पावर आएगी वो क्या आएगी, माइनस पी वन, इसकी जो पावर आएगी वो आएगी माइनस पी टू, तो इनकी जो नेट पावर आएगी वो आएगी माइनस पी वन माइनस पी टू, इनकी जो नेट फोकल लेंथ आएगी वो आएगी माइनस का वन बाय एफ वन माइनस का वन बाय एफ टू, बस समझ आ रही है आपको, सिंपल। पॉजिटिव और नेगेटिव आपको साथ में रखना है। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और ये था पावर ऑफ ए लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने आपको ये तो बता दिया था कि फोकल लेंथ आपको गिवन हो और आपको पावर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। अब एक रिवर्स क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से जाते हुए, कि अगर आपको पावर गिवन हो तो आपको फोकल लेंथ निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि जो पावर है वो आपको गिवन है 2.0 डायोप्टर, 2.0 डायोप्टर, या थोड़ा और चेंज कर देते हैं नेगेटिव 2.0 डायोप्टर, माइनस साइन गिवन है। अब जैसे ही नेगेटिव साइन आया पावर के आगे, आपको लेंस की नेचर पता चल गई, लेंस की नेचर पता चल गई, इमेज की नेचर नहीं, लेंस की नेचर। लेंस की नेचर का मतलब कि कौन सा लेंस है, कॉन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है, बात समझ में आई। तो माइनस होते ही आपको मैंने क्या बताया था, पावर अगर माइनस है तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव, तो लेंस तो कॉनकेव है। अब इसके आंसर की बात करें तो फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ निकालते हैं। अब अगर पावर का फॉर्मूला 1 बाय एफ होता है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1 बाय पी होगा, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया 1 बाय पी। अब क्योंकि पावर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव लेंगे, तो ये आया माइनस का 1 बाय 2, 2.0 को 2 ही लिख सकता हूं, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस 0.5, माइनस 0.5, पीछे बताओ क्या लिखे, मीटर या सेंटीमीटर। तो देखो जब फोकल लेंथ मीटर में होती थी तो पावर किस में आती थी, डायोप्टर में, है ना। लेकिन जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती थी तो पावर भी तब भी डायोप्टर में आएगी, लेकिन फॉर्मूला होगा 100 बाय एफ। अब ये जो फोकल लेंथ है ये माइनस 0.5 हो गई है और पावर हमें डायोप्टर में गिवन थी तो ये मीटर में आएगी, तो मैं इसको लिखूंगा 0.5 मीटर, माइनस 0.5 मीटर। मैं चाहूं तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकता हूं, क्योंकि एक मीटर से मैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, बस उन्हें ही आपको। तो आप दोनों आंसर ठीक होंगे आपके। आपको प्रॉब्लम कब होगी, प्रॉब्लम होगी अगर ये क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप हुआ, अगर ये क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप हुआ तो वो आपको पजल कर सकता है, ठीक है। वो क्या पता चार के चार ऑप्शन आपको मीटर में दे दे, क्या पता चार के चार ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में दे दे, क्या पता वो ये दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही ऑप्शन रख दे और डी में दे दे आपको बोथ ए एंड बी, तो आपको मीटर और सेंटीमीटर दोनों निकालने आने चाहिए, समझ में बात। तो मैंने आपको बताया अगर पावर डायोप्टर में गिवन होगी तो नॉर्मल आप पावर फोकल लेंथ निकालिए 1 बाय पी करके, पावर जो आएगी वो मीटर में आएगी। फिर आपको नीड है अगर सेंटीमीटर में निकालने की तो 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके निकाल लीजिए, नहीं तो आप मीटर में भी आंसर सही लिख सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया फोकल लेंथ माइनस 0.5 मीटर, माइनस 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करो
देखो क्या आंसर आएगा, 50 सेंटीमीटर ही आएगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक पावर ऑफ लेंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल मेरा आपसे यही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को अभी आप बाद में करना, फिलहाल आप पावर ऑफ लेंस को बहुत अच्छे से कर लीजिए क्योंकि पेपर में आता ही आता है। सो इसी के साथ हमने इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट किया। नेक्स्ट 4 वीडियोस और मैं बनाऊंगा, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।